कई दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे हल्द्वानी के विधायक सुमित हिरदेश। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जिस प्रकार से अशोका लेलैंड के कर्मचारियों की डिग्री को फर्जी बताकर उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा उन्होंने डिप्लोमा किया था, वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है, हमने अपनी डिग्री ओपन विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, जिसमें साफ तौर से लिखा था कि उनको इंटर्नशिप और जॉब भी अशोका लेलैंड में दी जाएगी। विधायक सुमित हिरदेश कर्मचारियों का समर्थन देने पहुंचे और आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक जल्द पहुंचाया जाएगा। मेरे पास तो कई महीनों से आ रहे हैं और मैंने जो संभव मेरे पास समय था उस समय में मैं इनका साथ देने को तैयार हूँ। पहले भी अशोक लेलैंड के प्रकरण में हम लोगों ने कई महीनों तक वहाँ प्रदर्शन करा था, जिसके उपरांत अशोक लेलैंड ने घुटने टेके थे। और देखिए, लगातार फर्जीवाड़ा यहाँ के युवाओं के साथ हो रहा हो, चाहे पेपर लीक का मसला हो या ये जो प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पे शोषण कर रही है हमारे युवाओं का, इसमें सरकारी हस्तक्षेप शून्य है। ये शासन प्रशासन का विषय है। प्रशासन जो उधम सिंह नगर का है बिल्कुल सूट नहीं ले रहा है, समर्थन नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं दे रहा है। 2021 में प्रशासनिक जो लोग थे उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप था, इस वजह से पूरा जो मसला था उसका निराकरण हुआ था। इस बारी अतिरिक्त दबाव कंपनी की उनके ऊपर है, इस वजह से वो नहीं कर रहे, सरकार सोई हुई है। युवा यहाँ सड़क पर बैठे हैं और धामी जी के पोस्टर होर्डिंगों में लगे हैं, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। तो ये देख लीजिए, युवा प्रदेश यहाँ सारे सारे जिलों के बच्चे हैं इस पूरे उत्तराखंड। ये मत सोचिए कि इनकी तादाद कितनी है, एक एक जिले के बच्चे यहाँ पे उत्तराखंड के, इनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है। और युवा प्रदेश और युवा नेतृत्व